मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता की चाय बनाते समय आग में झुलसने से मौत हो गई। महिला को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया है। दरअसल ग्राम पालिया की रहने वाली 26 वर्ष महिला मीना पटेल चूल्हे पर चाय बना रही थी। इस दौरान अचानक उसकी कपड़ों में आग लग गई। मीना कुछ समझ पाती इससे पहले पूरी तरह से झुलस कर घायल हो गई। तत्काल परिजन मीना को उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। उपचार के दौरान मीना ने आखिरकार दम तोड़ दिया। घटना के बाद सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवाया है। बताया जा रहा है कि कुछ सालों पहले ही मीना का विवाह ग्राम पालिया में रहने वाले मनोज पटेल के साथ हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। ये मर्ग क्रमांक नोट हुआ था कल बॉम्बे अस्पताल से। मृतका का नाम है मीना पटेल, पति मनोज पटेल, 26 साल, निवासी पालिया ग्राम, थाना हाथो, जिला इंदौर की है। ये 2 तारीख को घर पर चाय बना रही थी, शाम के टाइम नाइट में। चाय बनाते समय उसके गाउन में आग पकड़ ली है गैस से, तो बुझाते टाइम में उस जल के ज़्यादा 85% जल के आई थी। बॉम्बे अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। कल इनके परिवारजन उसको लामा करा के अस्पताल ला रहे थे, तो जब तक वो रास्ते में लाए हैं एम्बुलेंस में भर्ती कराने के लिए, तो रास्ते में मृत हो गई। महिला घरेलू महिला है, नवविवाहिता हुए, 26 साल उम्र थी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।